अब ये इंसर्ट फुट नोट, एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, शो नोट, ये क्या ऑप्शन है? अच्छा, ये ऑप्शन रेगुलर बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन में हमारे काम में नहीं आ रहे, डेफिनेटली नहीं आ रहे। लेकिन ये कि फॉर द सेक ऑफ सॉफ्टवेयर कोई आपसे पूछ ले, बता दे क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए फुट नोट कहाँ ऐड होता है। मैं इस टाइम पेज नंबर 37 पे मौजूद हूँ, इंसर्ट फुट नोट कर रहा हूँ, तो ये पेज नंबर 37 के एंड में ऐड हो रहा है, अंडू। और अगर मैं यहाँ से कहूँ क्लिक करके इंसर्ट एंड नोट, तो ये कहाँ ऐड हो रहा है? ये पेज नंबर अभी 67 पे आ गया हूँ, डॉक्यूमेंट की लास्ट में ऐड हो रहा है। बात समझ में आई? देखिए, फॉर एग्जांपल आपने अपनी इंग्लिश बुक्स अक्सर हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें अगर बीच में कोई रेफरेंस आ जाए या किसी बात को समझाना पड़ जाए, जैसे कि अगर यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ कॉलम, अब कॉलम वर्ड तो इधर आ गया, लेकिन रीडर को माइंड भी कि कॉलम वर्ड ना समझ में आए, मैं इस कॉलम वर्ड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, तो बीच में तो दे नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा और एक फुट नोट दे दूंगा पेज के एंड में। कहाँ पे दूंगा? पेज के एंड में। ये यहाँ पर उसके साथ जो मैंने कलम पे क्लिक किया था उसके साथ एक नंबर लगाएगा, इसका मतलब ये पहला फुट नोट है, और आपको नीचे एक लाइन लगा के छोटा सबस्क्रिप्ट करके टेक्स्ट दे देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम इज द पार्ट ऑफ टेबल, ठीक है। सेकंड, मुझे इसी पेज पे दूसरा वर्ड समझाना है रो फुटनोट, तो उसको दूसरा नंबर असाइन करेगा, यहाँ पे भी 2 नंबर देगा, रो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स इन टेबल। ओके, इस तरह रीडर को क्या फायदा होगा? रीडर को ये फायदा होगा जब वो यहाँ पढ़ता हुआ आ रहा होगा कॉलम, कॉलम के ऊपर उसको एक रेफरेंस मिलेगा 1, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है तो उस पर अपना एरो रखेगा, माउस हिलता नहीं चाहिए, ओके, आप देखिएगा मेरा तो बार बार जा रहा है, थोड़ी देर एरो रखेगा तो वो जो डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिखी है वो यही निकल कर आ जाएगी, और दूसरा उसको एक रेफरेंस मिल जाएगा 1। अगर वो फुटनोट एंड नोट को समझता है, इंग्लिश रीडर है, तो वो इस पेज के एंड पे जाएगा, रेफरेंस नंबर 1 को देखेगा और उसके बारे में पढ़कर समझ जाएगा। सिमिलरली अगर आप दूसरे में आपने रो पर दिया था तो वहाँ रो नंबर 2 लगा हुआ है, और उसके बारे में अगर वो पढ़ना चाहेगा तो यहाँ जाके पढ़ के समझ जाएगा। ये हो गया फुट नोट का काम। एंड नोट क्या होता है? एंड नोट क्या होता है, जैसे कोई भी एक बड़ा डिस्क्रिप्शन है, मुकालमा है, केस है, स्टोरी है, लिख दिया, अब उसका एंड नोट आपने लिखना है, यानी कि उनको कहते हैं फाइनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, एंड नोट भी कहते हैं, उसको आपने डिफाइन करना है, ठीक है। अब फुट नोट एंड नोट का इधर काम ये हो सकता है, ये जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी या ये जो वर्ड्स आपने लिखे, ये आपने कहीं से मिसाल के तौर पे लिख तो दिए, लेकिन इसको वेल एक्सप्लेन्ड आप करना चाह रहे थे तो वो डॉक्यूमेंट के आखिर में करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एक वर्ड, एक लाइन, एक पैराग्राफ, और उसको कहेंगे एंड नोट। पेज के एंड पे नहीं ऐड होगा बल्कि डॉक्यूमेंट के एंड पर ऐड होगा, रेफरेंस देगा उसको 1, और ये देखिए ऐड हो गया, ठीक है। कंप्यूटर इज अ डिजिटल मशीन, ठीक है, डिस्क्राइब इन नोट। अब एंड नोट और फुट नोट में क्या फर्क हो गया? काम दोनों का सेम है, रेफरेंस देना, लेकिन फर्क ये है फुटनोट यूज होगा पेज पर रेफरेंसिंग के लिए, यानी कि हर पेज का रेफरेंस उसी के एंड में देगा, 1 दे 10 दे, सेकंड पेज पे जाएंगे तो दोबारा से 1 2 3 4 देगा। एंडेड होल डॉक्यूमेंट में जहां जहां रेफरेंस आप देंगे वो कंटिन्यूस करेगा एक सिक्वेंस को, और उसके रेफरेंस कहाँ जमा करेगा? डॉक्यूमेंट के आखिर में, और हर किसी के आगे उसका रेफरेंस नंबर एड करता जाएगा। लेट्स सपोज एक और दे देते हैं यहाँ पर,
देखिए उसके नीचे ऐड करेगा रेफरेंस नंबर टू, सही। तो दैट इज कॉल्ड फुट नॉट और एंड नॉट। शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा किस तरह के नोट्स देखना चाह रहे हैं, फुट नॉट या एंड नॉट। मैंने कहा एंड नॉट, ओके। तो उसने एंड नॉट शो कर देना है, शो फुट शो नोट्स पे क्लिक करना है, अब फुट नॉट देखने ओके कर देना है। तो इससे जहाँ जहाँ फुट नॉट हो जाए वो शो।